नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा का तीसरा अध्याय रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप इस पाठ को पाठ्य पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं आपको इसका केवल सार ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि यह पाठ काफ़ी लंबा भी है, इससे हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस पाठ की मुख्य बातें। बच्चों, हम जानते हैं भारत एक विशाल देश है। भारतीय संस्कृति उदार, ग्रहणशील एवं समय के साथ परिवर्तनशील रही है। ग्रहणशील का मतलब होता है कुछ नए नए विचार ग्रहण करना, अपने में समाना, और परिवर्तनशील होता है समय के साथ बदलाव पाना। यहाँ नित्य नए संस्कार देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि आजकल विश्वीकरण का जमाना है। जैसे जैसे हम दूसरे देशों के लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी संस्कृति के प्रभाव में आते हैं, तो हमारी संस्कृति में नई नई धारणाएं विकसित होती हैं। भारत मानव समुद्र है। मानव समुद्र का मतलब भारत एक विशाल देश है, इसमें बहुत से जन हैं, यानी कि इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। यह तो सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति इस बात की साक्षी है कि जहाँ के लोगों में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। बच्चों, हमारा वास्तविक पाठ यहीं से प्रारंभ होता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से हमें पता चलता है कि हमारे लोगों में दान देने की जो परंपरा है बहुत प्राचीन समय से, पुरातन समय से चली आ रही है। आज का युग वैज्ञानिक युग है, इस बात को भी हम ठुकरा नहीं सकते कि आजकल विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। इस वैज्ञानिक युग में भी भारत में संस्कार कुछ कम नहीं हुए हैं। बेशक भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, फिर भी हमने अपनी संस्कृति छोड़ी नहीं है। हमारी संस्कृति की जो विचारधारा है, जो उसके संस्कार हैं, वो अब भी भारत में समाये हुए हैं, इसके लोगों में समाये हुए हैं। हमारे यहाँ दान देने से अभिप्राय ये है, किसी को धन का दान देना, श्रम दान देना, भूखे को भोजन कराना, वस्त्र आभूषण दान देना आदि अच्छा होता है। यानी कि जो हमने ऊपर बात कही कि हमारी संस्कृति में दान देने वाले की, दान देने की परंपरा है, तो दान देने से अभिप्राय क्या है? किसी गरीब को धन का दान दे देना, भूखे को भोजन खिला देना, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे देना, किसी धार्मिक समारोह पर अनाज वगैरह, कोई राशन वगैरह दे देना, कोई जैसे हम लंगर वगैरह लगाते हैं, इस प्रकार के दान को, इस प्रकार की जो हमारे कार्य होते हैं उसे हम दान देने में लेते हैं। और बच्चों, जो भी व्यक्ति दान देते हैं उन्हें हमारे समाज में बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो बच्चों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार का दान देता है उसे हमारे समाज में विशेष सम्मान दिया जाता है, सम्मान भरी दृष्टि से देखा जाता है। यह सर्वमान्य मत है कि दान देने वाले व्यक्ति का मन आनंद और शांति से खिल उठता है। तो बच्चों, दान देने से एक तो हमें सामाजिक रूप से प्रशंसा प्राप्त होती है, उससे भी कहीं अधिक हमारे मन को आनंद और शांति मिलती है। दानों में एक ऐसा दान है जिसे विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है, वह दान है जीवन दान। यह दान दिया जा सकता है, इसके लिए हमें स्वयं को थोड़ा सा मजबूत करके अपना कुछ रक्त दान में दूसरे के जीवन को दान दे सकते हैं। इस दान के सामने बाकी सब दान फीके पड़ जाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि जान है तो जहान है। अगर हम में जीवन ही नहीं होगा तो फिर हमें किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्तम दान होगा वो होगा किसी को जीवन का दान देना। और जीवन दान कैसे दिया जा सकता है? रक्त दान से। तो हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम दान रक्त दान है। आज मानव का जीवन वैज्ञानिक उन्नति के कारण अत्यंत गतिशील बन चुका है। यह गति ही प्रतिदिन कई घटनाओं का कारण बनती जा रही है। हम जानते हैं
कि जितने हमारे पास आज साधन हो गए हैं उतनी ही दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। सड़कों पर कितने हादसे प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। दूसरी ओर अनेक बीमारियां विकराल रूप धारण करके, विकराल मतलब भयंकर, मानव जीवन को नष्ट करने के लिए ताक में बैठी हैं। कौन कौन सी बीमारियां देखिए, कैंसर, एड्स, डेंगू, ड्रॉपसी तथा हेपेटाइटिस नामक बीमारियां कुछ इसी प्रकार की जानलेवा बीमारियां हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए 80 लाख यूनिट से अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि भरसक यत्नों के द्वारा हम मात्र 20 लाख यूनिट रक्त ही इकट्ठा कर पाते हैं। कहने का भाव, रक्त के अभाव में कितने ही लोग अपना अमूल्य जीवन गवा देते हैं। समय पर रक्त ना मिलने के कारण किसी दुर्घटना से पीड़ित या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त का पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर चेतना और ज्ञान का अभाव। हमारे अंदर ना तो बहुत ही चेतना है और ना ही हमें इतना ज्ञान है। इसी अभाव के कारण ना तो हम स्वयं रक्तदान कर पाते हैं और ना ही अन्य किसी को रक्तदान के लिए प्रेरित कर पाते हैं। रक्तदान के विषय में हमारे कम ज्ञान का कारण हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक यानी कि माता पिता, जिन्होंने हमें रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार बहुत कम मात्रा में दिया है। कहने का भाव, आपको एक प्रश्न भी पूछा जाएगा कि हमारे देश में रक्तदान को एक संस्कार के रूप में विकसित क्यों नहीं किया जा सका। इसका एक कारण है लोगों में चेतना और ज्ञान की कमी, अनपढ़ता के कारण और रूढ़िवादी संस्कारों के कारण हमारे लोग इसे एक संस्कार के रूप में अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जब भी कोई बालक साहस करके किसी को रक्तदान के लिए प्रेरित करता है या फिर स्वयं रक्तदान देने के लिए तत्पर होता है, तो अभिभावक माता पिता उसे उत्साहित करने के स्थान पर डांटते हैं। तो आप लोगों ने आमतौर पर सुना ही होगा कि अगर कोई रक्तदान देने की बात करता है तो पेरेंट्स उसे झट से टोक देते हैं कि तुम्हें क्या बचेगा। इसका एक कारण है कि उनमें ज्ञान का अभाव है, रक्तदान के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। उनका इस प्रकार से डांटना अशिक्षा तथा भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना बताता है। यानी कि वो अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं, एक तो अशिक्षित होने के कारण, दूसरा भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी पुरातन विचारों के कारण। किंतु इसके विपरीत हमारे समाज में एक शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर नवीन जीवन मूल्यों को अपना रहा है। हम जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे देश की जो शिक्षा दर है बहुत आगे बढ़ रही है, जिससे जो नई पीढ़ी है वो नए नए जीवन मूल्यों को अपना रही है। वह रक्तदान करता है। कौन रक्तदान करता है बेटा? जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो रक्तदान करते हैं और रक्तदान के लिए औरों को प्रेरित भी करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने 10, 20, 50 या फिर 100 से भी अधिक बार स्वेच्छा से रक्तदान किया है। स्वैच्छिक रक्तदान क्या होता है? स्वैच्छिक होता है स्वयं, मतलब अपनी इच्छा, आप जानते ही हो, अपनी चाह से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। तो स्वैच्छिक रक्तदान का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार स्वयं रक्त दान करना। तो कितने लोग हैं जिन्होंने अनेकों बार रक्तदान किया है, किंतु इनकी संख्या समाज में बहुत कम है, जिसके कारण रक्तदान बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है। तो बच्चों, हमें हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारी युवा पीढ़ी में रक्तदान को एक संस्कार के रूप में विकसित करना ही होगा। यह आज की प्रमुख आवश्यकता है।
प्रत्येक समाज, प्रत्येक ब्लड ग्रुप की आवश्यकता रहती है, प्रत्येक समय प्रत्येक ब्लड ग्रुप की आवश्यकता रहती है। कहने का भाव, किसी भी व्यक्ति को कोई भी रक्त नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को रक्त देने से पहले उसके रक्त ग्रुप की जांच करनी पड़ती है। बच्चों, ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं, रक्त समूह यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एवं ओ नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रुपों की अपेक्षा नेगेटिव ग्रुप संख्या में बहुत कम होने के कारण उसकी उपलब्धता भी कठिन होती है। यानी कि जो ए नेगेटिव होगा वो ए पॉजिटिव से कम मात्रा में होगा, कम लोगों में होगा। अगर कम लोगों में होगा तो रक्तदान भी कम होगा, तो इसकी जो उपलब्धता है वो भी कठिन होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो, वे व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। तो इसमें से भी आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि रक्तदान करने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम आयु बेटा 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष। एक बार में 250 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर तक रक्त लिया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो हमारे शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? 5 लीटर। रक्तदान प्रत्येक 3 मास के बाद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साल में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रक्तदान में कितना समय लगता है। बीमार तथा संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी हो, संक्रमण हो, कोई वायरल बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया की संक्रमण हो या फिर कोई गंभीर बीमारी हो, तो उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया है, मदिरा का मतलब समझते हो आप, शराब का सेवन किया है, तो 24 घंटे बाद ही रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के लिए हमें अपने मन को दृढ़ करना होगा। सब प्रकार के दान में रक्तदान ही महादान है। इसके लिए हम सबको मन, कर्म और वचन से तैयार रहना होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमें स्वयं भी रक्तदान के लिए तैयार रहना है और दूसरों में भी इसकी चेतना जगानी है, ताकि हमारे देश में रक्त की कमी से जो मौतें होती हैं उसकी दर कम हो सके। और बच्चों, एक बात और, रक्तदान करने से शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद रक्तदान करने से शरीर में कमी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रक्तदान करने से अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम रक्तदान करें तो हमारे शरीर में नए रक्त का संचार होता है, जिससे बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। अभी हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आम तौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है? यानी कि साधारण शब्दों में दान का क्या अर्थ है? उत्तर, आम तौर पर दान का अर्थ ज़रूरतमंदों को रोटी, कपड़ा या कुछ पैसे देने के रूप में लिया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सर्वोत्तम दान कौन सा है? रक्तदान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि यह दूसरे को जीवन दे सकता है। तीसरा प्रश्न, एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा कैसे कर सकता है? एक मानव अपने शरीर से कुछ रक्तदान करके दूसरे के जीवन की रक्षा
कर सकता है। तो बच्चों हमारा अगला चौथा प्रश्न है, रक्त की जरूरत कब पड़ती है? इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसे आप थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखिए, किसी गंभीर बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण जब हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बह जाए तो रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी पढ़ा रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। आप इसके नाम भी लिख सकते हो, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। आगे है, किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो हमारा उत्तर है, उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हों, गर्भवती महिलाओं को जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 वर्ष ना हुआ हो। देखो यहाँ पे इकट्ठा लिख रखा है लेकिन यहाँ पे एक कॉमा आएगा, गर्भवती महिलाओं को अलग पॉइंट है, दूसरा है जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 वर्ष ना हुआ हो। आगे, जिस व्यक्ति को रक्तदान किए 3 महीने ना हुए हो तथा जिसने मदरा का सेवन किए 24 घंटे ना बीते हों। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट आप अपनी तरफ से और लिख सकते हो कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से ज़्यादा हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर आएगा, रक्तदान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हमें रक्तदान के बाद अपने सभी कार्य दिनचर्या के अनुसार आम दिनों की तरह ही कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको रक्तदान के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं अवश्य समझ में आई होंगी। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक पाठ्य पुस्तक से अवश्य पढ़ें और अभ्यास के प्रश्न करने की कोशिश करें। तो बच्चों अगर आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ लेसन समझ में आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस की सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।